आगे वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन बताने वाली हूँ, और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि इसमें आपको कौन से ऐसे कीवर्ड्स डालने चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ लेटर टू गॉड लेंचो आस्क फॉर रिमेनिंग 30 पेसोस फ्रॉम गॉड डिस्ट्रस्टिंग द पोस्ट मास्टर। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स showcase an imaginary situation wherein both characters discuss the issue। लेंचो वाली कहानी पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि लेंचो ने गॉड को 100 पेसोस के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है उसमें उसे केवल 70 पेसोस मिलते हैं, तो वो बहुत ही नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं उन्होंने उसके 30 पेसोस निकाल लिए हैं। तो इसी सिचुएशन पर एक कॉन्वर्सेशन आपको दिखानी है पोस्टमास्टर और लेंचो के बीच, जहां पर लेंचो पोस्टमास्टर को डिस्ट्रस्ट कर रहा है, मतलब वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जब भी आपको डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए वो कोई चॉइस में है, तो हमेशा आपको डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन को ही करना चाहिए। इसकी तीन वजह है, पहला ये बहुत ही स्कोरिंग है, दूसरा ये बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में इजी है लिखना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नेचर का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा अलग तरीके से लिख सकता है, क्योंकि ये डायलॉग राइटिंग है। तो जो भी आपके मन में आए, जिस तरीके की हम बातचीत करते हैं उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन बताने वाली हूँ, और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि इसमें आपको कौन से ऐसे कीवर्ड्स डालने चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, और साथ ही इंग्लिश सेंटेंसेस के हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इट इज ओनली 70 पेसोस, गिव बैक माय रिमेनिंग मनी। व्हिच मनी आर यू टॉकिंग अबाउट? God had sent me 100 pesos, but I have got only 70 in the envelope. You all are a bunch of crooks. आपने यहाँ देखा जो हमारा last sentence है, you all are a bunch of crooks. ये बहुत ही important phrase है, क्योंकि ये हमारी book में दिया गया है। आपको इस वाले phrase को किसी ना किसी sentence में fit करना है। इससे teacher को ये पता लगेगा कि बच्चे ने lesson अच्छे से पढ़ा है। You all are a bunch of crooks. Crooks का मतलब होता है बेईमान लोग। तो bunch of crooks मतलब आप एक बेईमानों का ग्रुप हो। इसलिए तुम लोगों ने मेरे एनवेलप से 30 पेसोस निकाले हैं। Mind your tongue, Mr. Lenchu. Do you mean to say that I have robbed your money? यहाँ जो हमारा पहला सेंटेंस है, Mind your tongue, Mr. Lenchu. इसका क्या मतलब है? जबान संभाल के, Mr. Lenchu, जबान संभाल के बात करो। Yes, you have secretly taken away 30 pesos from my letter that God sent to me. Oh God, there is no place for good deeds. ये यहाँ पर आपके लिए एक और नया सेंटेंस आता है। Oh God, there is no place for good deeds. इसका क्या मतलब है? कि हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। तो ये भी आपको याद रखना है। What do you mean by that? May God give you the courage to hear the truth. What truth? Actually, the post office staff collected this money to help you, but we collected 70 pesos only. Do you want to say that God did not answer my letter? No, it can't be true. You got it right. We wanted your devotion to God to stay forever. ये वाली लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, you got it right, कि हाँ तुमने सही समझा, we wanted your devotion to God to stay forever. पोस्टमास्टर क्या चाहता था? कि लेंचो का भगवान में विश्वास कायम रहे। तो इस बात को आपको कैसे लिखना है, आप सामने देख रहे हैं। ओह
how ignorant I was. I apologize to you for my words. Now I know that God helps those who helps themselves. तो यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में लेंचो अपने शब्दों के लिए पोस्टमास्टर से माफी मांगता है, यह कहकर कि I apologize to you for my words. मैं अपने शब्दों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, और अब मुझे पता लगा कि गॉड उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं. अगर इस कॉन्वर्सेशन में आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कॉन्वर्सेशन का रिटन लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी मिल जाएंगे. थैंक यू.